ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पार्टनरशिप का जो हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, ए बी स्टार्ट द बिज़नेस ऑन 1 जनवरी 2005 विद द कैपिटल, थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ताकि आपको सही नज़र आए, विद द कैपिटल ऑफ ₹60,000 and ₹40,000। दो पार्टनर हैं जी, एक पार्टनर ए है, दूसरा बी है। उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2005 को। एक का कैपिटल 60,000 है, दूसरे का 40,000 है। ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस ₹10,000 टू द फॉर्म एन एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2005। 1 जुलाई 2005 को मिस्टर ए ने 10,000 मज़ीद पैसे इंट्रोड्यूस करवा दिए जी बिज़नेस के अंदर। कहता है विदड्रॉ ₹500 पर मंथ, दे का अब वर्ड यूज़ कर रहे हैं, दे विदड्रॉ ₹500 पर मंथ। हर महीने उन्होंने 500 निकाले, मतलब एक महीने में 500, तो पूरे साल के पैसे कितने बनते हैं, 12, 5, 60, 6,000 बनते हैं। कि दोनों ने 6,000 रुपया जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाया। तो जो पैसे हम जाती इस्तेमाल के लिए निकलवाते हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसिस इन द ल्यू इन प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड 10%, और जो इंटरेस्ट मिल रहा है उनके कैपिटल के ऊपर वो है 10%। कहते हैं कैलकुलेट द इंटरेस्ट पे एबल टू ए एंड बी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2005। 2005 के लास्ट पे इंटरेस्ट हमने कितना पे करना है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को, काइंडली उसकी वर्किंग करें। हम इसमें क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ले हमने सबसे पहले ये देखना है कि टोटल कैपिटल मिस्टर ए ने कितना इन्वेस्ट किया। सेपरेटली हम देखते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ मिस्टर ए, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट जो मिस्टर ए ने की है कब, ऑन 1st 05। जनाब उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, ए ने 60,000 की, ठीक है 60,000। उसके बाद वो ये कहता है कि एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करवाया था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जनाब एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसने जनाब 10,000 की थी, कब की थी, 1st 7 2005, ठीक है, डेट लास्ट में लिखनी है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी, 70,000 के साथ। अब हमने ये देखना है कि मिस्टर ए को जो है इंटरेस्ट कितना मिला है उसके कैपिटल के ऊपर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ये जनाब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप लिखें सबसे पहले इंटरेस्ट उसने बताया कि 10% मिलेगा, इतना ही है ना। ये देखें 10% इंटरेस्ट आपको मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और वो हमने फाइंड करना है। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट थी ना, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन 60,000 और इंटरेस्ट ऑन 10,000, ये हमने निकालनी है। जो 60,000 है इसके ऊपर 10% है, और ये उसने 1 जनवरी 2005 को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा कितना बनता है वो 6,000, ठीक है। उसके बाद जो 10,000 था इसके ऊपर 10%, और ये फर्स्ट जुलाई को इंट्रोड्यूस करवाया है ना, तो हम देखेंगे कितने महीने बनते हैं, जुलाई पूरा इसमें शामिल होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिक्स मंथ का 6/12। तो ये अगर आप कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आपकी कैलकुलेशंस निकलती हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 के साथ। तो इसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6500 के साथ मिलेगा, ठीक है, मैं रखता हूँ यहाँ पे, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये जनाब आपकी क्या है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब मिस्टर बी के ऊपर आ जाते हैं, यही वर्किंग करते हैं अब सारी की सारी मिस्टर बी के साथ। टोटल कैपिटल ऑफ मिस्टर बी, ठीक है,
उसने 40,000 इंट्रोड्यूस करवाया था स्टार्ट में, एडिशनल कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया इसने जी? नहीं करवाया। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा जी इसको? ये लाइन लगाएं, इंटरेस्ट जनाब वो आपने निकालना है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 पूरे साल का, तो इसका इंटरेस्ट बनता है जी 4,000 के साथ, ठीक है। तो ये जनाब आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो रहा है आगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड ही कुछ यूँ थी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है कितना निकलेगा। सो बी का इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल के ऊपर 4,000 के साथ है, एंड जो इंटरेस्ट निकला है इसका वो 6,500 के साथ है। सो इट वॉज़ अवर क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगली वीडियो अगले क्वेश्चन में।